अशोक चव्हाण ने भाजपा में शामिल होते ही कह दी ऐसी बात कि फडणवीस भी हैरान हो गए। पहले आप भी सुनिए। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष सुना आप। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब वो भाजपा के साथ अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र भाजपा के मुख्यालय में मंगलवार दोपहर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष सिलारा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने 67 वर्षीय चव्हाण का बीजेपी में गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत में 67 वर्षीय चव्हाण की जुबान फिसल गई, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस को उन्हें टोकना पड़ गया। दरअसल बीजेपी में शामिल होते ही अशोक चव्हाण ने मुंबई कांग्रेस प्रमुख को धन्यवाद दे दिया। हालांकि फडणवीस के सचेत करने पर उन्होंने तुरंत ही खुद को सुधार लिया। उप मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, मराठीत महाराष्ट्राच्या भाजपाचे अध्यक्ष श्रीमान बावनकुळे जी, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष पन्नास वर्षाची सोय असल्यामुळे मुंबई भाजपाचे पहिली प्रेस कॉन्फरन्स भाजपाच्या कार्यालयात होत आहे, तेवढं थोडस मला एक्सक्यूज करा, आज पहिलाच दिवस आहे। कालच राजीनामा दिल्यामुळे एकदम स्विच ओव्हर थोडासा, परंतु आमचे मित्र भाजपाचे मुंबईचे अध्यक्ष आशिष शेलारजी, खासदार